चलो बच्चा, सम नंबर है हमारा 20। हम बोल सकते हैं कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग और या फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल का ये सम नंबर 20 है। तो इसके अंदर बच्चा हम ध्यान से देखेंगे तो अब इस बार साइन थोड़ी चेंज हुई है, सीक्वेंस थोड़ी चेंज हुई है। एक्स स्क्वायर प्लस आ रहा है यहाँ पे एक्स बोला हुआ है और -132। ये पहले समझ में आया, जो हमारा कांस्टेंट टर्म है उससे आगे एक माइनस दिया हुआ है। आप बोलोगे सर ये हटाओ तो ज्यादा प्रॉपर दिखे, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस। फैक्टर निकालना है 132। फैक्टर क्या निकालना है बच्चा? 132। तो बच्चा यहाँ पे वो ध्यान में रखना है कि 132 के फैक्टर निकालते हुए हमें एक्स लाना है। तो यहाँ पे एक सिंपल पॉइंट बोलूं, जब एक्स होता है 1 होता है तो इसका मतलब ये हुआ आपको कोई कॉन्जिक्यूटिव नंबर लाना है। कॉन्जिक्यूटिव मतलब, आप बोलोगे सर एक सिंपल वे में बोलूं तो 2 × 3, एक बात है समझने के लिए, ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। 4 × 5, 10 × 11, या आप बोलोगे 20 × 19, तो ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर है जिसमें प्लस माइनस करते हुए आपका आंसर आएगा एक्स। ये आपको समझना है, तो ये पॉइंट क्लियर कर देना है। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होगा बच्चा हम आगे जा सकते हैं। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू, आपको लाना है 0, ऐसे नहीं लिखना है, खाली आप बोलोगे सर ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है? स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बच्चा क्या ध्यान रखेगा? तो बच्चा बोलेगा कि सर यहाँ पे वो ध्यान में रखना है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए और यहाँ पर कॉन्स्टेंट टर्म है वो सी, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आना चाहिए? तो आंसर आना चाहिए मल्टीप्लीकेशन में, और वो उसका मिडिल टर्म प्लस और माइनस करोगे तो बी आना चाहिए। क्लियर है बच्चा? तो उसके बाद बच्चा अब हम स्टार्ट करते हैं, हमारा एक्स स्क्वायर जो है वो 1 और कॉन्स्टेंट टर्म है 132। तो 132 के पार्ट हमें करने हैं जिसमें आंसर कितना आ जाए x। तो बच्चा एज यूजल यहाँ से शुरू 132, 2 से करोगे तो पहले 6 और बाद में आप करोगे तो भी 6 ही होगा, क्योंकि 2 से करोगे तो 66 हुआ। अभी आप बोलोगे सर आपको और आगे जाना पड़ेगा 60, अभी एक बार यहाँ लिख देते हैं इसका पहला फैक्टर क्या होगा, 2 × 66। पहला फैक्टर क्या होगा? 2 × 66, ये 2 रहा और ये 66। प्लस माइनस कुछ भी कॉम्बिनेशन कर दोगे तो x का तो दूर दूर लापता, मतलब कुछ अता पता नहीं है, तो ये कॉम्बिनेशन सेट तो नहीं होगा। दूसरा आगे चलते हैं, तो आप बोलोगे सर 2 से करोगे तो 33 होगा, तो सर ने सिखाया था 2 × 2 = 4 हो जाएगा और यहाँ पे 33, इसका भी मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर तो 132 आएगा, लेकिन बच्चा इसका प्लस माइनस कॉम्बिनेशन कुछ भी सेट नहीं होगा। आगे चलते हैं, 3 से करना पड़ेगा, तो 3 से करोगे तो बच्चा ये हो जाएगा 11, तो आप बोलोगे सर 3 × 2 = 6, 6 × 2 मतलब 6 × 2 = 12। फिर से एक बार बोल रहा हूँ 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12, तो यहाँ लिख दिया 12 और यहाँ पे लिख दिया 11। बच्चा बोलेगा सर कंसेक्यूटिव नंबर दिख रहा है 12 और 11, तो ये आंसर 99% सेट हो ही जाएगा। अब ध्यान से देखो प्लस की साइन रखनी है, तो यहाँ पे आप बोलोगे प्लस की साइन, तो प्लस 12 माइनस 11, तो आंसर आएगा प्लस एक्स, या आप बोल सकते हो अभी के लिए 1 आएगा। बस ये समझना है आपको, क्लियर है बच्चा? तो जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है हम आगे जा सकते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस 12x माइनस 11x माइनस 132। तो ये हमारा पहला स्टेप हो जाएगा। इसके बाद बच्चा हमें जो ध्यान में रखना है वो है दोनों में से कॉमन निकालना, तो यहाँ से x कॉमन निकलेगा तो x प्लस 12 हो जाएगा, x प्लस 12 और यहाँ से हमने निकाला तो 11 कॉमन निकालेंगे तो x, और ये माइनस है कॉमन तो यहाँ पे माइनस होगा तो हो जाएगा प्लस, कितना बोलूँ बच्चा 12। कैसे? तो बच्चा बोलेगा सर 11 × 12 करते हो तो इसके फैक्टर है 11, हमने कॉमन निकाला तो यहाँ बचेगा कितना 12। दूसरी बात बच्चा, हर बार की तरह मिडल टर्म स्प्लिटिंग होने के बाद हम कॉमन निकालते हुए ये दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए जो हमारे आ रहे हैं, तो x प्लस 12 और यहाँ पे x माइनस 11। इसके साथ बच्चा हमारा ये सम खत्म हुआ। प्रॉपर नोटबुक में लिख लो, इसमें कोई ज़्यादा डिफिकल्ट पॉइंट नहीं था, लेकिन मैं बोलूँगा यहाँ पे माइनस का कॉम्बिनेशन पहली बार, मतलब अब सीक्वेंस में अब आ रहा है तो ध्यान से देखना, आगे एक बार आ गया है, बाकी मेजोरिटी सम में नहीं आया तो ये ध्यान से देखना।
मिलते बच्चा नेक्स्ट लेक्चर में नए एक सम के साथ। और दूसरा, आपको इसका प्लेलिस्ट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं सम नंबर 21 में।